What do you think I'm eating? ये जी हमारी तैयारी हो रही है। आज जो है हम लोग बाइसाइकिल्स पे निकल रहे हैं बेकरी के लिए। काफ़ी टाइम हो गया है लॉकडाउन लगा हुआ है और जो है काफ़ी अरसे से हम लोग बेकरी नहीं गए। सर्दियों में हम लोग जो है साइकिल्स पे कवर वगैरह डाल देते हैं क्योंकि सर्दियों में साइकिल्स यूज़ नहीं होते तो बर्फ़ वगैरह पड़ती है। बारिशें तो खैर यहाँ पर वैसे ही होती रहती हैं तो, लेकिन गर्मियों में ये जो है बग़ैर कवर के ही तकरीबन रहते हैं। ये छोटा सा किचन गार्डन है, वकार का दिया हुआ जो है ये टमाटर का पौधा काफ़ी बड़ा हो गया। पाकिस्तान से इस बार मैं थोड़ा सा धनिया लाया था तो उसको हमने थोड़ा सा क्रश करके जो है वो लगाया यहाँ पे। देखें इसका क्या रिज़ल्ट आता है। ये हमारे हमसायों की जो है बिल्ली छिपी बैठी है। मौसम आज जो है वो बेहतरीन है साइकिलिंग के लिए। ये जी एमआर रेडी हो गई है और शुक्र है कि आज बेगम ने इसको जो है वो कोई पिंक तरह की चीज़ नहीं पहनाई। बाजी निविदा जो है उनका हमेशा ये गीला रहता है कि इसको आप लोगों ने लाल किया होता है। तो ये जो है ये अब बेगम का बाइसिकल है और ये एमा की सीट और एमा का हेलमेट और जो है ये मेरा बाइसिकल है। मेरे बाइसाइकिल की वैसे हालत ख़राब हो गई है, इसमें जो है इसकी सीट जो है वो अब तकरीबन जवाब देना शुरू हो गई है। बाकी टायर वगैरह तो मैंने नए चेंज किए हैं, पिछला ख़ास तौर पे नया चेंज किया है, अगला वाला जो है वो भी चेंज होने वाला है। कुछ दिन टाइम निकाल के जो है वो उसको चेंज करेंगे। Where are you going, Emma? On the bicycle. And where? Emma has new shoes. New shoes. Yeah. Emma को जो है हम लोगों ने हवा भरने के लिए रखा हुआ है। Yeah. A few moments later. Yeah, Emma, we are going. आज हवा भरते हुए मुझे अपने अब्बू याद आ गए। छोटे होते थे तो पंप जो है वो नहीं चलाया जाता था तो हमारे घर के बिल्कुल बाहर जो है वो एक दुकान हुआ करती थी अरशद भाई की, और उनको जाके कहना कि अरशद भाई ज़रा हवा भर दें। कभी तो उन्होंने भर दे नहीं, कभी उन्होंने इनकार कर देना। अक्सर जो है वो अगर अब्बू ने किसी काम पर बुलाना है दुकान पर और जो है हम लोगों ने दुकान पर जाना तो उन्होंने कहीं वापसी में अगर साथ में आना है साइकिल में तो उनको उन्होंने देखना कि हवा बहुत कम है तो बहुत जो है वो डांट पड़ा करती थी। बाजी निविदा को तंग करने के लिए हम लोगों ने इसको अब पिंक जो है वो जैकेट चढ़ा ही दी है। एम आई वी गो नाउ? या वी गो नाउ विद मामा, विद मामा एंड बाबा। या एम्मा इज सुपर हैप्पी। वैसे जर्मनी में जो है वो लॉकडाउन लगा हुआ है, आप जो है बेकरी में डाइनिंग नहीं कर सकते। तो अभी हम लोग जो है वहाँ बेकरी से जो है टेक अवे लेकर फिर बाहर कोई बेंच वगैरह जो बने हैं वहाँ पे बैठ के जो है नाश्ता वाश्ता करेंगे।
अभी हम लोग जो है वो शहर की तरफ जा रहे हैं। शहर का जो सेंटर है वो तकरीबन 1.5 किलोमीटर है हमारे घर से। आमतौर पर तो हम पैदल ही जाते हैं, लेकिन आज हम चूँकि साइकिलों पे हैं इसलिए साइकिल्स पर। ये मेरी लेफ्ट पे जो है मुर्ग रिवर है, इसकी मैं कई बार वीडियोस बना चुका हूँ। जर्मनी में लोग वैसे काफ़ी साइकिलिंग करते हैं, ख़ास तौर पे वीकेंड पे आपको काफ़ी साइकिल सवार नज़र आते हैं। मौसम अच्छा हो और यहाँ पे वैसे बाइसिकल्स के लिए रास्ते भी बने हुए हैं तो कोई इशू नहीं है ट्रैफिक का भी। संडे की वजह से बिल्कुल जो है वो कोई ट्रैफिक नहीं है, बिल्कुल सुनसान है इलाका, तो उम्मीद है कि बेकरी जो है वो खुली होगी। ये है सिटी सेंटर, सामने जो है चर्च और यहाँ पे बिल्कुल कोने में जो है वो हमारी बेकरी। ये बस स्टॉप है और ये है जी कैफे टीम, ये है बेकरी। यहाँ से अब हम लोग जो है वो नाश्ता वाश्ता ख़रीदेंगे और ये सामने जो बेंचेस बने हुए हैं यहाँ पे हम लोग जो है नाश्ता करेंगे। निक्की ने अब पानी देख लिया, अब ये नहीं पता कि अब जो है हमारा क्या बनता है। वही हुआ जी जिसका डर था, निक्की फिलहाल नाश्ता वाश्ता भूल गई है और इस वक्त जो है हमारी पार्टी हो रही है। और ये हमारा नाश्ता। क्रोसॉन्ट, फ्रेंच ब्रेड, साथ में जो है जर्मन टिपिकल जो है वो ब्रेट्सल। और निक्की जो है इस वक्त क्रोसॉन्ट ब्रेड जो है वो इसका नाश्ता हो रहा है। अब वैसे जूस मिल गया, अब शायद ब्रेड कम ही खाओ। मेरे हिस्से में जो है वो ये आया है शोको क्रोसॉन्ट और साथ में जो है पीने के लिए जो है ये कैकाओ मिल्क। ये अब जो है वो सिटी सेंटर का बिल्कुल जो मेन एरिया है वो है। यहाँ पर आम रूटीन में हफ्ते इतवार को मार्केट लगती है जिसमें फार्मर्स वगैरह जो हैं वो अपनी चीज़ें लेके आते हैं, लेकिन अब कोरोना की वजह से वो भी नहीं लग रही शॉप्स। खैर वैसे तो आज संडे है, आज तो वैसे हर चीज़ बंद होनी है। साइकिल्स के लिए यहाँ पर जो है बड़ा ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, रास्ते हैं, ये जिस तरह साइकिल का पाथ है इसका मार्किंग भी हुई है और ये रास्ता जो है ये बेसिकली साइकिल और पैदल चलने वालों के लिए ही है। ये मेरे साथ साथ जो है ये रिवर मुर्ग है। आज वैसे सही वाली गर्मी है। खैर अभी जो है हवा में खुनकी है काफ़ी, टेम्परेचर आई थिंक मैक्सिमम 18 या 19 डिग्री है, लेकिन फिर जो है काफ़ी अर्से बाद जाकर जो है वो समर की फीलिंग आई है। इलेक्ट्रिक स्कूटर,
अब्दुस्सलाम की स्विफ्ट स्पोर्ट्स मॉडल। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट है जर्मनी में, इसको श्लेपर गार्टन बोलते हैं जर्मनी, जर्मन जबान में। इंग्लिश में क्या बोलेंगे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन ये बेसिकली जो हैं छोटे छोटे गार्डन्स हैं जो गवर्नमेंट जो है अलॉट करती है उन लोगों को स्पेशली जो सिटीज़ में रह रहे हैं और उनके पास कोई गार्डनिंग की फैसिलिटी नहीं है। तो यहाँ आप छोटा सा एक एरिया, दो तीन मरले का आप समझ लें या एक डेढ़ मरले का, तो ये गवर्नमेंट जो है ये अलॉट करती है आपको, आप एप्लीकेशन देते हैं। हमारे पाकिस्तान में तो खैर जिसके पास 10 मरले या एक कनाल का घर है उन्होंने तो छोटा मोटा कोई गार्डन रखा होता है, लेकिन यहाँ पे चूँकि लोग फ्लैट्स वगैरह में रहते हैं, जिस तरह ये सामने जो है ये फ्लैट्स बने हुए हैं, तो फ्लैट्स में पॉसिबल नहीं होता। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है जर्मनी में, जो मुझे तो खैर काफ़ी अपील करता है, और खैर उन लोगों को भी जो ज़्यादातर जो है वो गार्डनिंग वगैरह करना चाहते हैं। अच्छा, दरिया के साथ साथ इन लोगों ने काफ़ी इंफॉर्मेशन वगैरह के बोर्ड वगैरह भी लगाए हुए हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पे यहाँ पर जो है ये मेंशन है कि इस पानी में किस किस्म की जो है वो मछली पाई जाती है। हम छोटे होते तो इनको हेलीकॉप्टर कहते थे, पतंगे टाइप ये पतंगे भी जो हैं यहाँ पे पाए जाते हैं। और जो है ये आई थिंक ये जो मछली है सांपनुमा, ये पाकिस्तान में भी होती है, मल्ली शायद इसको बोलते हैं। ये मेरे गरीब साइकिल का स्टैंड जो है वो टूटा हुआ है काफ़ी अरसे से, तो ये जहाँ जगह ना हो सहारा देने की तो उस तरह इस बेचारे को जो है वो इसी तरह ही पार करना पड़ता है। जबकि एमा और बेगम का साइकिल देखें, ये जी हमारा एक और मशगला पानी में पत्थर फेंकने का, थ्रोइंग स्टोन्स। या Oh, such a big one. Yeah. ये जिस तरह हमारे पाकिस्तान में लोग जो है वो कगान नरान जाएं और वहाँ चश्मों में जो है आम ठंडे करते हैं, तो इस तरह हम लोग जो है अपना पानी जो है वो ठंडा कर रहे हैं। हम लोग आए हैं जो है एक प्लेइंग एरिया है रिवर के साथ साथ बना हुआ, तो अम्मा जी को खिलाने के लिए बस है शौक है जी साढ़े। ये देखें जी, ये कनोइंग हो रही है रिवर मुर्ग में। ये वापसी का रास्ता है, आई थिंक कोई 10-11 किलोमीटर शायद जो है टोटल बनेगा ट्रैक आज का, और चेक करें ये आप साइकिल वालों के लिए रास्ता बनाया हुआ दरिया के साथ साथ।
हाँ जी, ये बल्कि कई जगहों पे जो है इवन बाइसिकल्स के लिए सिग्नल भी लगे हुए हैं। ऊपर वाला सिग्नल गाड़ियों के लिए, नीचे वाला जो है वो बाइसिकल के लिए। और ये रास्ते मार्क किए हुए हैं इन्होंने जो साइकिल्स के लिए हैं। तो ये वीरानगी चेक करें आप इतवार वाले दिन। आज आई थिंक सिर्फ जो है आइसक्रीम्स की शॉप्स खुली हैं। गर्मियों में लोग जो है आइसक्रीम का शौक करते हैं। गर्मियाँ यहाँ असल में आती कम है, इसलिए लोग काफ़ी इन्जॉय करते हैं गर्मियों को। ज़्यादातर मौसम सर्दी रहता है। ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड पे आइसक्रीम शॉप्स। ये सिटी के बाइसिकल्स, इलेक्ट्रिक बाइक वैसे काफ़ी हो गए हैं जर्मनी में। और ये पेडिस्ट्रियन एरिया सिटी सेंटर का, सामने आइसक्रीम की शॉप। ये जवान बैठे आइसक्रीम खा रहे हैं। इटालियन आइसक्रीम्स जो हैं काफ़ी मशहूर हैं जर्मनी में। ये एक और सामने, ये सामने बेकरी जहाँ से हमने सुबह नाश्ता किया है।